हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल यूटीडी सागर, जहां आपको डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंड अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल सही और टाइम पे दी जाती है। फ्रेंड्स, हम ये सीरीज मैं मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट थ्री तक क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और इससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आज हम प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य यही है कि आप समझे कि पेपर में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं और आप अपनी बुक से वैसे ही क्वेश्चन तैयार कर पाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्वेल्थ के बाद उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, तो उन्हें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का अंदाज़ा नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, मैथ्स ही नहीं, हमने डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर के सारे कोर्स में जिस कोर्स में कि सबकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और कुछ की हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सभी कोर्स का सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सिलेबस के सब्जेक्ट को ही निकाल के आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें एंड कमेंट करें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ अभी प्रिपरेशन कर रहा है और हमारा भी मन रहेगा आपको पढ़ाने का, आगे और ले जाने का। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप कमेंट करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है, सॉरी 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्रय मूल्य जो हमें दिया है वो 110 रुपये है और विक्रय मूल्य जो उन्होंने हमें दिया है वो 123 रुपये और 20 पैसे है। इसे बेचने पर, यानी कि अब वो इसे बेच रहा है, उसने ख़रीदा कितने में? 110 में, और उसने बेचा कितने में? 123.20 पैसे में। तो इसे बेचने पर विक्रेता को लाभ कितना होगा, हमें वो लाभ बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको लाभ का सूत्र याद होगा, लाभ प्रतिशत का आप सूत्र लगाइए। लाभ उन्होंने हमसे परसेंट में पूछा है, यदि उन्होंने डायरेक्ट लाभ पूछा होता तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते जिससे हमें लाभ मिल जाता। अब हम फ्रेंड्स, बट यहाँ उन्होंने हमसे लाभ प्रतिशत पूछा, यानी कि जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में पूछा है। तो हम प्रॉफिट के परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जिससे भी फॉर्मूला याद हो वो इस में मुझे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले यह लगेगा कि इसमें हमें पहले लाभ निकालना होगा, क्योंकि हम लाभ निकालेंगे तभी तो लाभ का परसेंट निकालेंगे। तो हम लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ आप सभी जानते हो कि लाभ क्या होगा, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। तो हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमारा लाभ आएगा। फिर हम लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ परसेंट में लाभ को लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, बस इतना करेंगे हम, इन सब में इनका मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम आप इतना रख के देखना, फिर अपना आंसर टिक लगाना। ऑप्शन है 11%, बी 12%, सी 13%, डी 14%। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी 12%, इसका राइट आंसर है। यदि आपसे सॉल्व करना नहीं बना है फॉर्मूला बताने के बाद भी, तो आप एक बार अपना सॉल्यूशन मैच कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन है फ्रेंड ए 970 रुपये, बी 900 रुपये, सी 950 रुपये, डी 980 रुपये। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ई 970 रुपये, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स इसका हम सॉल्यूशन देखें, क्योंकि यदि आपसे ये नहीं बना है फ्रेंड्स, इन्होंने हमें हानि परसेंट में दी है, विक्रय मूल दिया है जो बेचने में को विक्रेता मूल्य, तो फ्रेंड्स जो विक्रय मूल है वो हमें कितना दिया 873 रुपये, हानि दी है 10% और क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हम इसमें पहले हम इसकी हानि निकालेंगे, इसके बाद हम इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला और हम इसकी क्रय मूल्य निकल आएगा। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला जो लगा है क्रय मूल्य, फ्रेंड्स जो हमारा जो फॉर्मूला होता था उन्होंने उसी को ही लगाया है, तो इनका जो फॉर्मूला, अब इनका जो फॉर्मूला है वो है क्रय मूल्य बराबर, फ्रेंड्स इस फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, ये फॉर्मूला आप यहाँ से याद नहीं करें बल्कि फॉर्मूला बनाया गया है। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या कर दिया है, क्रय मूल्य बराबर 100/90, यानी कि 90 इन्होंने क्या रखा है फ्रेंड्स, इन्होंने जो हानि हमें परसेंट में दी है, पहले इसकी हानि निकाली है, वो हानि रखी है इंटू 873। तो फ्रेंड्स ये उन्होंने विक्रय मूल्य रखा है और इसे सॉल्व किया है, तो इनका आंसर 970 आया है। तो फ्रेंड्स याद रखें कि ये फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला उन्होंने फॉर्मूले से ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो फ्रेंड्स यहाँ भी उन्होंने हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो आप क्रय मूल्य ही निकालें। फ्रेंड्स आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को एक से दो बार पढ़ के देखें ध्यान से कि उन्होंने हमें क्या दिया है, क्या पूछा है, जिससे कि आपका टाइम भी ख़राब ना हो, पता चले आप एक सॉल्व कर लें पूरा और आपने कुछ डिजिट उनके मान गलत लिख लिए थे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप एक से दो बार क्वेश्चन को पढ़ें, इसके बाद ही आप उसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ए 555 रुपये, बी 500 रुपये, सी 530 रुपये, डी 520 रुपये। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें बी 500 रुपये, इसके सॉल्यूशन देखें फ्रेंड्स, ये इसका सॉल्यूशन है, आप ध्यान से देख लें, इसके बाद ही आप इसे सॉल्व करें, आपको कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कहें, हम उस आपका डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रमेश ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? अब फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि ये गाय जो है उसने कितने रुपए में ख़रीदी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्रय मूल्य जो है वो निकालना है, क्योंकि बेचना विक्रय मूल्य के, जितनी राशि में आप बेचते हो वो विक्रय मूल्य कहलाता है, जितने में आप खरीदते हो, खरीदना यानी क्रय करना, क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए 8270 रुपये, बी 8250 रुपये, सी 8650 रुपये, डी 9250 रुपये। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें बी 8250 रुपये, इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बनता तो आप इन ऑप्शन को देखें, ये सॉल्यूशन को देखें, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसी भी ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला ही सॉल्व करें, मतलब फॉर्मूले को याद करें और फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करें। यदि आप किसी ट्रिक से कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि फॉर्मूला ही राइट ऑप्शन होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है फ्रेंड, ए 17%, बी 19%, सी 20%, डी 22%। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें। सी 20%। तो फ्रेंड्स, इसका यदि आपसे सॉल्यूशन नहीं बनता तो हम इसका सॉल्यूशन देखें। फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है, मैं बार बार कह रही हूँ, सारे क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूले से सॉल्व किए गए हैं, इसीलिए आप फॉर्मूला ही याद करें, अपने 11th 12th के फॉर्मूले को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। और मैथ प्रैक्टिस ही मांगता है, मैथ फिजिक्स बार बार प्रैक्टिस मांगता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, यदि आपको अच्छी लग रही है, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर पा रहे हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए सीरीज़ कितनी हेल्पफुल हुई है। सारे सब्जेक्ट में आप बताएं कि जो सारे सब्जेक्ट के हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, जीके, सारी जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि फ्रेंड्स, एंट्रेंस से रिलेटेड, एंट्रेंस फॉर्म से, डेट से कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर पाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए साइट ओपन होती है, और आप यदि फॉर्म इन दिनों नहीं भर पाते, इन दिन में नहीं भर पाते, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे। फॉर्म भरने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कीजिए।